हेलो दोस्तों, नमस्कार। पी के मौज मथी चैनल पर पी के श्रीवास्तव आप लोग यूट्यूब चैनल पर जो स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो बहुत से कमेंट आ रहा था कि दोस्तों सर TGT का जो है ऑनलाइन पेपर जो है होने वाला है, तो सर हिस्ट्री और का जो है ना पेपर थोड़ा करवा दीजिए। तो मैं फिर से जो है ना एक बार आप लोग समक्ष हिस्ट्री का जो है ना पार्ट नंबर 31 यानी 30 तक जो है ना आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया था। तो 31 से आज जो है ना आप लोगों को फिर से बहुत से कमेंट आने के बाद जो है ना मैं बोला कि नहीं, एक बार फिर से जो है ना जहाँ तक मैं छोड़ दिया वहाँ से पूरा कवर कराना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिस्ट्री पार्ट नंबर 31 यानी 31 का क्या कर रहा है। किस प्राचीन स्मृति ने उत्तराधिकार के संबंध में विधवाओं को पुत्र के बराबर स्थान दिया, किसके दिया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी को आज्ञावल्य। आप देखिए इसका व्याख्या देख लीजिए। सर्वप्रथम आज्ञावल्य ने स्त्रियों की संपत्ति संबंधी अधिकारों को वकालत की है। आज्ञावल्य ने पत्नी को भी पति को संपत्ति का उत्तराधिकारी बताया है दोस्तों। कौन सा? आज्ञावल्य। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण हुआ? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन नंबर जो है ना ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत है। किसका? समुद्रगुप्त का जो है ना इतिहास का प्रथम स्रोत है। यह कौशाम्बली में खुदवाया गया था अकबर ने, ठीक है, अकबर ने कौशाम्बली में मंगवाकर इलाहाबाद जो है ना इसके बाद देखिए इलाहाबाद के किले में सुरक्षित कराया। इसमें अकबर के दरबारी कवि बिरबल का भी लेख उल्लेख है। जहांगीर के बाद में इसे अपना लेख उत्कीर्ण करवाया। इसके बाद 63 नंबर का जो है ना देखिए, इसमें जो है ना दोस्तों मात्र आपको हम टॉप 20 क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन का डोज देने से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और दिमाग पे उतना याद रहेगा नहीं। इसीलिए मैं सोचता कि क्यों ना हिस्ट्री का तो पूरा कोर्स मैं करवा ही दूंगा। इससे बाहर कोई भी एग्जाम भले ही आप क्यों ना दो दोस्तों, इससे बाहर हिस्ट्री में से कुछ नहीं पूछेगा, कुछ आएगा नहीं, 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस हिस्ट्री जो पूरा 1 से लेकर जो 31 तक चल रहा है अभी और इसके बाद जो है ना आगे चलेगा, जहाँ जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा कि हिस्ट्री का पूरा कोर्स करवा दिया हूँ और इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए 63 का जो है ना देखते हैं। 63 में देखिए, गुप्त काल के किस लेख में भूमि बिक्री संबंधी वितरण दिया गया? इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों डी, दामोदर तर्मपत्र। अब देखिए दामोदर तर्मपत्र क्या, दामोदर तर्मपत्र में भूमि बिक्री संबंधी वितरण दिया गया है जिससे गुप्त काल में भूमि विक्रय संबंधी जानकारी प्राप्त होती थी। किसमें? गुप्त काल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गुप्त शासकों द्वारा नक्षत्र राज की विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्कों का भार स्तर था कौन सा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए 32 ग्रेन। कितना? 32 ग्रेन। अब देखिए व्याख्या देख लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासन को पराजित करने के पश्चात चांदी के सिक्के जारी किए। गुप्त शासकों के चांदी के सिक्कों के रूपक कहा जाता था। अगर आपसे पूछ दिया जाए दोस्तों सीटेट में, TGT और PGT में कि रूपक के सिक्कों को क्या कहा जाता था, गुप्त शासक के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो रूपक, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इन सिक्कों का भार 32 से 36 ग्रेन होता था और आपसे पूछ देगा कि सिक्कों का भार कितना होता था, तो 32 से 36 ग्रेन होता था। गुप्त काल में नल शब्द का तात्पर्य क्या होता था? गुप्त काल में नल शब्द का जो तात्पर्य था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भूमि की माप, भूमि के जो है ना दोस्तों नाप। अब देखिए नल भूमि मापने की एक इकाई थी। नल जो है ना दोस्तों भूमि के मापने के लिए प्रयुक्त होने वाली धातु की छड़ या उसकी लंबाई रस्सी को कहा जाता था। 66 नंबर का देखिए, कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में उल्लेख श्रेणी संगठन का नाम था, तो क्या नाम था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर जो है ना सी, ऑप्शन नंबर सी जो है ना तंतुवाय जो है ना इसका नाम था। कुमार गुप्त प्रथम ने मंदसौर अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख किया, ठीक है, जो जुलाहे कार्य करते थे। क्या? जुलाहे कार्य करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साम्राज्यक
गुप्त नरेश में से सर्वप्रथम रजत मुद्राएं किसने जारी की थी? किसने जारी की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है ना साम्राज्य गुप्त नरेश में से सर्वप्रथम रजत मुद्रा किसने जारी किया था? तो कौन होगा दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए व्याख्या, गुप्त नरेश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने शंको को पराजित किया और उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और रजत मुद्राएं जारी की। ठीक है, कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनवाया था? इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों डी नालंदा। कौन सा? नालंदा। अब देखिए, अधिकांश इतिहासकार कुमार देवी द्वारा नालंदा में धर्मचक्र जिन विहार बनवाने की बात मानते हैं। चलिए अब देखिए 69 का, कुमार गुप्त के प्रथम कुलिक नामक पदाधिकारी का क्या तात्पर्य था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए मुख शिल्पी। क्या तात्पर्य था? तो मुख शिल्पी से तात्पर्य था। व्याख्या देख लीजिए, प्रथम कुलित मुख्यतः शिल्पियों को कहा जाता था। प्रथम कुलित विषयपति की संपत्ति का सदस्य होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके सोने के सिक्कों में मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक था? यानी सोना का जो सिक्का था दोस्तों उसमें जो है ना मिश्रण का जो है ना प्रतिशत सर्वाधिक, मिश्रण यानी मिक्स उसमें कर दिया था। कौन चीज? तो जो है ना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्कंद गुप्त जो है ना ये सब काम किया करते थे। अब देखिए, स्कंद गुप्त ने अपने सिक्कों का आकार बढ़ा दिया था और सिक्कों को सोने की मात्रा घटती गई तथा मिलावट का प्रतिशत बढ़ता गया। मैं आपको पहले बताया था कि इसमें जो है ना मिलावट खोरी बनाकर इसके बाद जो है ना सोने का जो है ना घटाता गया और मिश्रण का जो है ना बढ़ाता गया। चलिए, गंधिकों ने सिक्के चलाए इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो है ना दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो है ना बी कौशाम्बी। कौशाम्बी से जो है ना प्राप्त होता है गंधिकों। व्याख्या देख लीजिए, गंधिकों के सिक्के कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फरहान फरहान के अनुसार गुप्त काल में विनिमय का आम माध्यम क्या था? तो आम माध्यम जो दोस्तों कौड़ी था। क्या था? कौड़ी था। फरहान के समय में क्या चल रहा था? कौड़ी। अब देखिए, फरहान एक चीनी यात्री था। कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। उस समय जो है ना भारत में किसका राज चल रहा था? चंद्रगुप्त द्वितीय का भारत आया था। फरहान के अनुसार गुप्त काल में विनिमय के माध्यम के रूप में वस्तुओं की अदला बदली कौड़ी में की जाती थी। यानी जो है ना कौड़ी के साथ जो है ना उस वस्तु को अदला बदली की जा सकती थी। अब देखिए नेक्स्ट देख लीजिए क्या कह रहा है कि पूर्व मध्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सबसे अधिक कष्टदायी कर रहा था? यानी पूर्व मध्यकाल की बात है दोस्तों, सबसे जो है ना कष्टदायक कर रहा था कौन? ये देखिए ऑप्शन नंबर सी विष्टि। विष्टि एक बाद श्रम था, यह केवल राज द्वारा ही नहीं अपितु भूमिगत कालीन वर्ग तथा भूमि अनुदानों को प्राप्तकर्ताओं द्वारा भी कृषकों का शिल्पियों पर लगाया जाता था। 74 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा को क्रमादित उपाधि युक्त सिक्के प्रचलित दिए? इसका जो ऑप्शन आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्कंद गुप्त। अब देखिए, कुमार गुप्त के पश्चात स्कंद गुप्त शासन बना, इसके धनुधारी प्रकार के वर्ण सिक्के के भ्रष्ट भाग में पद्मानस में बैठी लक्ष्मी के साथ भी स्कंद गुप्त स्कीर्ण है। कुछ स्वर्ण सिक्कों पर गुरुध्वज तथा क्रमादित्य अंकित है। कुछ सिक्कों पर क्या है दोस्तों? दो चिन्ह, एक ये और एक, दोनों चीज जो है ना अंकित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गुप्त काल में भूमि संबंधी अभिलेखों का अभिरक्षक निम्नलिखित में से कौन था दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी कर्णिक। कर्णिक जो है ना उस समय का जो है ना गुप्तकालीन संबंधी भूमि अभिलेख था। ठीक है, अब देखिए, गुप्तकालीन में भूमि कर संग्रह करने के लिए ध्रुवाधिकरण तथा भू अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले पदाधिकारी को कर्णिक कहा जाता था। क्या? कर्णिक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में बहलिकों का उल्लेख मिलता है? तो बहलिकों का उल्लेख मिलता है ऑप्शन नंबर डी महरोल स्तंभ लेख। कौन सा दोस्तों? महरोल स्तंभ लेख। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के महरोल स्तंभ लेख से हमें
बहलिकों को विजय की जानकारी मिलती है। बहलिको प्रदेश पंजाब, कौन सा दोस्तों? पंजाब में व्यास नदी के आसपास क्षेत्र था। पंजाब में जो है ना दोस्तों, आज नदी के आसपास जो है ना वो क्षेत्र था। अब देखिए भूमि दान पत्रों में क्षेत्र शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता था? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खेत योग्य भूमि। खेत योग्य जो है ना भूमि में जो इसका प्रयोग किया जाता था दोस्तों, गुप्त कालन में खेती योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था, ठीक है। तथा बिना जोती हुई भूमि को सील और वास करने योग्य भूमि को वस्तु, तथा बिना जोती जंगली भूमि को अपहृत कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो अजंता की गुफा जो है ना दोस्तों, सबको मालूम होगा महाराष्ट्र में जो है ना अजंता की गुफाएं जो है ये आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता तथा बाघ की गुफाएँ महत्वपूर्ण है। अजंता की गुफाएँ संख्या कितना है दोस्तों? अजंता में जो है ना अजंता की गुफाएँ संख्या 1617 यानी 1617 और 1919 गुप्तकालीन में मानी गई है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, इनकी संख्या कितनी है टोटल? 27। अजंता की गुफाएं कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है, और इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 27। निम्नलिखित में से आपसे सीटेट में पूछ दिया सकता है कि अजंता की गुफा कहाँ है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में। अब पूछ देगा कि महाराष्ट्र में जो ये गुफा है ये टोटल कितना है दोस्तों, इनकी संख्या कितना है, तो आप कहेंगे दोस्तों 27। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो ये जो है ना मुद्रा राक्षस जो है ना ये कालिदास की रचना नहीं है। मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ विशाखा दत्त का है। किसका है दोस्तों? विशाखा दत्त का है। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी अपना धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है? किसने कहा सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है, घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो किसने कहा दोस्तों? तो ये आर्यभट्ट ने कहा। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा कहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। अब देखिए का अस्थो का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें किया गया है? इसका जो है ना दोस्तों ऑप्शन होगा सही यज्ञवल्क्य। जो है देखिए काश्यस्थो का सर्वप्रथम उल्लेख यज्ञवल्क्य में किया गया है। गुप्त काल में काश्य केवल एक वर्ग के रूप में थे जो बाद में गुप्तोचर काल एक जाति के अंतर्गत आ गए। एक जाति के रूप में सर्वप्रथम काल्यस्थकों का उल्लेख ओसनम स्मृति से मिलता है। तो दोस्तों ये जो है ना, मैं आपको टोटल 21 क्वेश्चन करा चुका हूँ दोस्तों। तो बस ज़्यादा मैं आप लोगों को डोज नहीं दूंगा, क्योंकि ज़्यादा डोज देने से क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को जो है ना क्वेश्चन बराबर ध्यान में नहीं रहेगा। इसलिए मात्र आपको मैं 20-20 क्वेश्चन दूंगा हिस्ट्री से, और 5 क्वेश्चन दूंगा दोस्तों आपको जो है ना रीजनिंग से, ठीक है, और 4 क्वेश्चन दूंगा मैथ से। देखिए दोस्तों आपको जो है ना सब कुछ देखने को यहीं से मिलेगा। और आप जो है ना सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे ग्रुप डी NTPC यानी ऑल एग्जाम के जो ना हेल्पफुल जो है ना आपको तैयारी यहां से पीके मौज मस्ती चैनल के माध्यम से होगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो पीके मौज मस्ती चैनल को सदस्य को दे दीजिए या तो बाकी बात कल फिर मिलेंगे दोस्तों। और मैं बता दूँ, ये हिस्ट्री का जो मैं आप लोगों को समक्ष प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये TGT और PGT, ठीक है, TGT और PGT के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा दोस्तों, जिसने जो है ना फॉर्म अप्लाई किए होंगे, क्योंकि दिसंबर 1 से लेकर 15 तारीख तक जो है ना इसका लास्ट डेट है दोस्तों TGT PGT में। जो है अपना भविष्य का जो है ना आजमा सकते हैं, तो वो 15 तारीख तक जो है ना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि DSSB के जो है ना माध्यम से नोटिस जारी हो गया है। तो आप लोग 15 तारीख तक फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों। इसलिए जो है ना मैं आपको बोला नहीं, हिस्ट्री का जो है ना पूरा क्लियर कोर्स कराना ही पड़ेगा। और बच्चे का भी बहुत कमेंट आ रहा था, तो मैं सोचा कि क्यों ना आज से ही चालू कर दिया। तो 30 तक जो है आप लोग में प्रोवाइड करवा दिया था, ये हिस्ट्री पार्ट 31 है। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों। PK मौज मस्ती चैनल सदस्य को दे दी या बाकी बात कर फिर मिलेंगे। ओके बाय।